दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर करने निकली लल्लन टॉप की चुनावी टीम आज चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ हम हैं जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 के पास, गेट नंबर 3 के पास, गली कृष्णा गुलियान, गली गुलियान के पास। हमें लोगों ने बताया कि यहाँ काफ़ी अंदर अंदर गलियों में बहुत सारा उद्योग धंधा होता है, बहुत छोटे 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 बड़े काम होते हैं। तो हम देखने आए हैं कि किस तरीके का काम होता है, किस तरीके का। थोड़ा आपको बहुत सारा चांदनी चौक के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा भी होगा कि बहुत सारा पुराना इलाका है। तो यहाँ की गलियाँ, यहाँ की भूल भुलैया, किस तरीके का कामकाज होता है यहाँ हम देखते हैं। यहाँ क्या होता है? गत्ते का काम। गत्ते का काम। आप कहाँ रहते हैं? है? धक्का मारे आ जाए। जूता पहने रहे? हाँ, पहने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या काम होता है यहाँ? मैडम ये डायल प्रिंटिंग का काम होता है। डायल प्रिंटिंग। अच्छा, ये घड़ी वाली? हाँ। हाथ में ले सकते हैं? अच्छा, यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ये जो घड़ियों के अंदर, ये मेरी घड़ी देखिए, इसके अंदर ये डायल प्लेट है ना, वही ये डायल प्लेट बनाते हैं। यहाँ चांदनी चौक में काफ़ी बड़ा घड़ी का बाजार भी है। विभव बता रहे थे कि एक ज़माने में उस घड़ी बाज़ार में किलो के भाव से, ऐसे आप पूछने जाते और आपको एक पीस चाहिए होता, वो नहीं मिलता था, किलो के भाव से तौल कर मिलता था। वो तो दूर दूर से लोग, जो दुकान छोटे दुकानदार होते थे, वो वहाँ पर माल खरीदने आया करते थे। तो ये सामान कहाँ, यहीं क्या, यहीं मार्केट में बाज़ार का काम मिला हुआ है आप लोगों को? कहाँ के रहने वाले आप? हम गाज़ियाबाद से। गाज़ियाबाद से रोज़ आते हैं यहाँ काम करने के लिए। ये बस ये डायल बनाने का काम है आपका? नहीं मैडम, तो खाली प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग का? कैसी प्रिंटिंग, हमें समझ नहीं आया, थोड़ा समझाएंगे? ये मैडम इंक लगा के प्रिंटिंग करी जाती है। ये आपके पास कैसा पहुंचता है? ये आपके पास दुकानदार के थ्रू आता है। ये आपके पास दुकानदार के थ्रू आया? हाँ। ठीक है, अब आप इसमें क्या काम करेंगे? इसमें प्रिंटिंग करके देंगे। हमें दिखा सकेंगे क्या मैडम? ये दिखा दीजिए ना। अच्छा, ये आप कंपनी का नाम लिख रहे हैं? नहीं, ऊपर का नाम होगा ना, स्वर्णा। हाँ। और ये आपने दो जो यहाँ पे लगाए हुए हैं वो? अच्छा, ये हम आपको काम करते हुए देख सकते हैं? मैडम काम अभी तो बहुत पड़ा, अभी तो नहीं देख सकते, अभी दूसरी डाई लगानी पड़ेगी फिर मुझे। अच्छा, आपको दूसरी डाई लगानी पड़ेगी। हाँ। वो लोग क्या काम कर रहे हैं? ये इसी डायल के पैकिंग का। आप लोग पार्ट टाइम काम करते हैं यहाँ पे? फुल टाइम नहीं, हम नहीं करते। ये मैडम ये कहीं दूसरे कारखाने से करता है, ये करता है। कौन, आप काम करते हैं? नहीं करता वो, ये करता है। ये कह रहे हैं ये नहीं करते हैं? ये करता है, वो नहीं करता। ये नहीं करता मैम। आप काम करते हैं यहाँ पे? फुल टाइम काम करते हैं? नहीं, वही फुल टाइम ही हुआ, सुबह 10 से 7:30। वीडियो गेम खेल रहे हैं? कौन सा गेम? लेवल। लेवल? अच्छा, कितना रुपया मिलता है यहाँ काम करने का? 7,000 मिलता है। 7,000। कहाँ तक की पढ़ाई की हुई है? 7th class। 7th तक की, फिर छोड़ दी थी पढ़ाई? Yes. क्यों छोड़ दी? अच्छा चलो, फिर काम कितने साल से काम कर रहे हो? 2 महीने हुए। कहाँ के रहने वाले हो? गोंडा के। गोंडा? Yes. गोंडा से यहाँ आए काम ढूंढने के लिए? Yes. किसने बताया था कि चांदनी चौक में काम मिलेगा? अरे हमारे गांव वाले हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे काम की तलाश में आए? Yes. 2 महीने पहले। फिर काम यहाँ पे कैसे काम ढूंढा? हमारे गांव वाले रहते ना, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे किसी की कामगार की ज़रूरत है। तो आपका काम क्या है? ये जब उस पर प्रिंट करते हैं डायल पे, तो आप पैकिंग करते हैं? यस यस। अच्छा, डब्बों में? yeah. ये अच्छा, अलग अलग किस्म के डायल की प्रिंटिंग है? yes. छोटे बड़े, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग रंग के? yes, yes. और आपका काम होता है कि इनको कागज़ में लपेटना और डब्बे में रखना 10 बजे से शाम, सुबह के 10 से शाम के 7:30 बजे तक, हफ्ते में रोज़? जी। छुट्टी किसी दिन? संडे को।
संडे को, तो हफ्ते में 6 दिन आपका काम होता है, सुबह 10 से 7:30 काम करना, और इसके एवज में आपको 7,000 रुपये मिलते हैं। तो जब पहली सैलरी मिली, 2 महीने पहले आए, जब पहली सैलरी मिली तो पूरे पैसे घर भेज दिए थे? यस। 7,000, तो यहाँ पे खर्चा कैसे चलाया फिर महीने भर? खर्चे और टाइम लगाता हूँ ना, ओवर टाइम भी करता हूँ ना। ओवर टाइम भी करते हो? yes. 7:30 बजे काम खत्म हो जाता है, फिर ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा मिलता है? सही। हर दिन करते हो? नहीं, हर दिन नहीं करते। मतलब वही ओवर टाइम के पैसे जोड़ के आपने अपने खर्च के लिए रखे? हाँ। और बाकी सारे पैसे आपने घर भेज दिए? हाँ। कौन कौन रहता है घर में? घर में है मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन, बस। छोटे हैं भाई बहन आपसे? हाँ। आप सबसे बड़े हैं? वो दोनों पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं भाई बहन। और आप रहते कहाँ पे हैं? यहाँ रहते हम तो पहाड़ी वाली गली में रहते हैं, बड़ी पहाड़ी वाली गली। यहाँ पास में ही है? हाँ। कितने में मिला किराए का कमरा? किराए पे नहीं, गांव वाले रहते ना, फ्री में रहते हैं। गांव के रहते हैं ना। अच्छा, तो वो क्या करते हैं, फाइल का मतलब कारखाना है उनका, फाइल का कारखाना है। अच्छा, तो उन्होंने बुला लिया कि यहाँ काम की जरूरत है? नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया, इनके गांव के लड़के रहते हैं ना, तो सब ये इकट्ठा ही रहते हैं, वो किराया नहीं लेता इनका, जो जिसका कारखाना है ना वो किराया नहीं लेता। अच्छा, वो किराया तो नहीं, बिजली पानी किराया सब फ्री है। फ्री है। और खाना वाना? खाना तो अपना खाते हैं। खुद बनाते हो? नहीं, होटल से खाते हो? 4-5 लड़के इकट्ठा होके बना लिया। ये एक कमरा कितने लोगों को रोजी रोटी देता है? अब मैडम कम से कम 5-6 जने मान के चलो। ये एक कमरा 5-6 जनों को रोजी रोटी दे रहा है। आप कितना कमा लेते हैं महीने भर में? महीने ये 12-15 हज़ार रुपये निकल जाता, सब कुछ दे दागे, कभी ज़्यादा कभी कम, पर ये है कि नौकरी से ठीक है। नौकरी से बढ़िया है? नौकरी से ठीक है। अपने यहाँ नहीं मिले मौके आपको? कम मजदूरी मिलती है? तनखा है ही ना मैडम, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, फिर 10,000 की अगर नौकरी करो तो कम से कम 12-13 घंटे काम करना पड़ेगा, फिर छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मतलब यहाँ पे भी तो उतने ही घंटे, 8-9 घंटे, 10 घंटे। तो मैडम इसमें क्या है कि अपना एक काम नहीं है तो अपना बैठे रहो, काम है तो कर लो। ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं आपका? हाँ। ये कहना है वहाँ पे सीमित आय तो होती है, कम मजदूरी होती है। हाँ, वहाँ तो सीमित है ना कि 8,000 मिलेंगे तो 8,000 मिलना है। अच्छा, आपने कौन सा गांव बताया था अपना? गोंडा? नहीं, उन्होंने गोंडा, गोंडा उन्होंने बताया था। तुम्हारे आपके गांव में गोंडा में कितने लोग होंगे जो आपकी उम्र के, आपसे बड़ी उम्र के, जो शहरों में आकर काम करते होंगे? 10-12 लोग होंगे। आपका आपके गांव का नाम क्या है वहाँ? सिसैया दलेल खां। सिसैया दलेल खां? दलेल खां जी हाँ। बाकी मतलब ऐसा है क्या कि अब गांव में आपकी उम्र के या आपसे बड़ी उम्र के जो लड़के हैं वो अब दिखते नहीं हैं, वो सब शहरों में कमाने चले जाते हैं? हाँ सही। ऐसा होता है? आपके गांव की टोटल आबादी कितनी होगी, कितने घर होंगे वहाँ? ये तो नहीं पता, तुम्हें पता? 1,000 घर होंगे। 1,000 घर? 1,000 घर में से कितने घर ऐसे होंगे मतलब कुछ पता है कि जिनके लड़के बाहर कमाने चले गए? नहीं मालूम। ये तो नहीं पता है। अपनी जान पहचान में नहीं। आपके दोस्त वगैरह सब वहीं पे हैं? वो तो गांव में है। क्योंकि शायद आपने जल्दी कमाना शुरू कर दिया, शायद परिवार की स्थितियों के कारण। कितने साल का होगा ये? कितने साल का? मेरे को तो गुदनी में कितने साल का है? 17-18 साल का होंगे। 17 साल, 7वीं। और ये छोटा सा कमरा ये 4-5 लोगों को रोजी रोटी देता है। ये शीशा लगाया हुआ है ना आपने? हाँ जी। चेहरा देखने का चार्म नहीं जाता है, है? कंघी करना, शीशा देखना, यही लोग देखते हैं मैडम, हम तो देखते ही नहीं। लड़के देखते हैं? हाँ, ये लड़के देखते हैं ना। और खाना किसका? खाना भी बनता है ये? आप लोगों का खाना यही नहीं बनता है? हमारा नहीं है, हम तो खाली सिर्फ काम करने आते हैं, अपना शाम को चले जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये कमरा किसी का घर भी है? हाँ, वो अब जैसे यही जैसे गांव से लोग ये आए हैं बच्चे, अब कहाँ रहेंगे तो हम बोलते हैं हमारे कमरे में रह लो, सुबह वो चले जाते हैं काम पे, हम यहाँ काम कर लेते हैं।
अच्छा, ये एक छोटा कारखाना भी है, कारखाने के साथ साथ किसी के रहने की जगह भी है, उनकी एक छोटी सी रसोई वहाँ किनारे में रखी है, बर्तन बर्तन धोने के लिए। ये पानी आता है क्या यहाँ? नहीं मैडम, पानी आता था, बंद करा दिया पानी। पानी बंद करा दिया? हाँ, तो फिर ये इधर ही कोई भाई साहब रहते उनके, वहाँ से लड़के पानी लाते हैं। तो एक तो था ना दिल्ली सरकार का फ्री में पानी मिलता था, योजना क्या हुई? योजना क्या, फिर हम तो किराएदार हैं, हमें मकान मालिक के लिए फ्री है ना, हमारे लिए थोड़ी वो तो बिल जोड़ देगा ना उसमें। नहीं समझिए आप बात को। यहाँ का ये वाली जो बिजली है, ये आप लोगों को कमर्शियल में मिली हुई है या कमर्शियल मीटर लगा रखा है? ये तो ये कमर्शियल मीटर में आपका आता है, क्योंकि काम कर रहे हैं ना, रहने के पर्पस से होता तो फिर कमर्शियल नहीं होता, तब वो हाँ तब वो कमर्शियल वो नहीं होता। तो हमने एक सैंपल दिखाया आपको चांदनी चौक की, ये गली, गली का एक मकान, एक मकान का छोटा सा गमला। इस मकान में ऊपर और कितने घर परिवार होंगे कुछ पता है? मैडम ऊपर तो कोई रहता नहीं, जो खाली मकान मालिक ही रहते हैं बस। और इस ये घर एक छोटा कारखाना भी है, और कारखाने के साथ साथ किसी की गृहस्थी भी है वहाँ पर, और वो एक छोटा सा कमरा तकरीबन 4-5 लोगों को रोज़गार देता है। वो सब बाहर से, ज़्यादातर यूपी और बिहार से यहाँ कमाने आए हैं, क्योंकि उनके गांव के भी लोग यहाँ दिल्ली में रहकर कमाते हैं। उनके मुंह से उन्होंने सुना कि चांदनी चौक में अपने गांव अपने शहर से ज़्यादा मजदूरी मिलेगी, अपने गांव अपने शहर से ज़्यादा मौके मिलेंगे, तो उन मौक़ों को लेने कमाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ये था चांदनी चौक का, इस दिल्ली का एक चेहरा जो हमने आपको दिखाया। दिल्ली में ऐसे ही एक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हर साल तकरीबन 5 लाख की आबादी जुड़ती जाती है, और उनमें से ज़्यादातर लोग बेहतर मौक़ों, बेहतर अवसर, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर, सबसे ज़्यादा बेहतर रोज़गार की तलाश में यहाँ आते हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा इन बाहर से आए लोगों का, जो यहाँ के वोटर हों या ना हों, उनकी ज़िंदगी में दिल्ली जुड़ी हुई है, गुथी हुई है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। कैमरे के इस तरफ मैं स्वाति, और उस तरफ मेरे साथ ही विभव।